प्राप्त कर लेते हैं और उन सबूतों को एकत्रित किया जाता है, वही सबूत होते हैं। उसके बाद में उन्हीं सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई चलती है। अब बाद में कोई भी सबूत जुटाए नहीं जाते हैं, सबूत तुरंत मिलते हैं। फिर NIA जांच कर रही, NIA ने उसकी उसी ट्रैक पर आगे बढ़ी। मैं कोई NIA का और वो प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं राजस्थान की जनता का एक जो हमारे साथ में भावनात्मक रिश्ता है, मैं उसको समझता हूँ। इस बात को निश्चित रूप से हमारे विशेषज्ञ कानून के जानकार हैं, वो इसकी समीक्षा कर रहे हैं किस किन पहलुओं पर ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने उनको जो जमानत दी है, दोष मुक्त नहीं किया है, जमानत मिली है, लेकिन निश्चित रूप से उसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके और दोषी को सजा मिलेगी। अशोक गहलोत जी निकल गए हैं, आपने कहा तो मैंने सोचा कांग्रेस से निकल गए, लेकिन कोई बात नहीं, अशोक गहलोत जी घर से निकल गए, अच्छी बात है, स्वागत ही होती है। ऐसे घर में कैद रहना नहीं चाहिए था इसी समय, वो वही उनके आंतरिक संघर्ष है, उसी के कारण से वो घर में कैद रहे, नहीं रहना चाहिए था, निकलना ही चाहिए था। ये एक्चुअली डोटासरा जी, सचिन जी, गहलोत जी, इनका वोट तो बची है, प्रतिस्पर्धा है, वो करें, लेकिन नकारात्मक प्रतिस्पर्धा नहीं हो तो अच्छा है। देखिए माहौल तो इसलिए बना कि हम 5 जगह पर हम नहीं जीत पाए, इसलिए वो उत्साहित है, लेकिन वो समय चला गया, अब हमारा समय आया है, हमारी सरकार ने काम भी किया है और वो परिस्थितियों में परिवर्तन भी आया है, तो वो परिवर्तन का लाभ हमको मिलेगा और जनता में जो जागृति बढ़ी है, हमारी दोनों सरकारें डबल इंजन की सरकारों द्वारा जो घोषणाएं की गई है उसके प्रति भी जनता उत्साहित है, तो उसका लाभ हमको मिलने वाला है। इसलिए मैं तो जहाँ अभी पहला तो अभी देखिए चुनाव की घोषणा तो हुई नहीं है जी, हम परिचयात्मक हमारा कार्यक्रम था और फिर थोड़ा जब जाएंगे तो कार्यकर्ताओं से चर्चा भी होगी, बात भी होगी, चुनाव होने हैं इसलिए कार्यकर्ता पूछेगा भी, मीडिया भी पूछेगा, तो हमको तो जवाब देना ही पड़ता है, इसलिए हम इसको समझ रहे हैं। लेकिन जनता में जो उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, क्षेत्र के अंदर जो भ्रम का निवारण हुआ है, तो उसका लाभ उनको मिलने वाला है। जो एक राज्य एक चुनाव की जो हमारी सोच है, वो केवल कि लगातार आचार संहिता बार बार हर चुनाव में आचार संहिता लग जाती है, तो उससे बचा जाए और समय विकास में लगाए, ये समय केवल आचार संहिता के प्रतिबंधों में बंद करके नहीं रह जाए, इसलिए ये सोच हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है, बहुत अच्छी, ये स्वागत योग्य है। अब इसको तो हमारे विपक्षियों को भी इसमें जुटना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, अरे विरोध करना है तो विरोध करो ना, लेकिन ऐसी बात में कि जिससे ये वक्त हमको विकास के लिए मिले, ये सभी समझ रहे हैं इस बात को, और नहीं तो बार बार 5 साल तक चुनाव करते रहो और विकास नहीं करने का बहाना ढूंढते रहो, ये ठीक बात नहीं है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी को भी कि उन्होंने ऐसी अच्छी सोच रखी है कि एक राज्य में एक चुनाव हो, देश में भी एक चुनाव करने की कवायद चल रही है। अब उसमें हम क्या कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये समीक्षा हो रही है ना, कि कहीं जरूरत होती है वहाँ तुरंत घोषणा होती है। जहाँ पर चुनाव कराए हैं हमने, अभी वार्डों के चुनाव कराए, अभी म्यूनिसिपलिटी के चेयरमैन 12 और अंतर के उसके भी कर रहे हैं ना, चुनाव हो रहा है। अब पता नहीं उनको क्या लगता है, मैं सोचता हूँ कि बहुत समझदार नेता है डोटासरा जी, तो उनको कम से कम इन बातों का तो ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ समीक्षा वो भी करते हैं, करना भी चाहिए। अब पता नहीं क्यों ऐसी सोच रख करके इस प्रकार के वक्तव्य दे देते हैं।